जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। बात समझ में आ गई, नबी का वतन असली कुर्बे मौला है। असल में फेल उधर का था, पता आला हजरत ने एक शेर भी लिखा, वो याद नहीं है मुझको। कशिश रब की तरफ से थी, खचाव रब की तरफ से, और रब खेचे किसी को तो उसकी रफ्तार का फिर क्या आलम है। रब खेचे किसी को अपनी तरफ, उसकी रफ्तार के बारे में औ अदना ने तो सोच पर भी पाबंदी लगा दी, क्योंकि इसमें तफजील है अदना, इतनी करीब इतनी करीब इतनी करीब के मसाफत मकानी का खात्मा ही कर दिया। फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना, इतने करीब गए रब के, इतने करीब गए। ये न्यूटन की थ्योरी से साबित हो गई। अब तमाम साइंसदानों का बाप कौन है आप लोग को पता है? जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं उनको पता है, फादर ऑफ साइंस आइंस्टाइन। पैदा होता है 14 मार्च 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन साइंटिस्ट, और उसने जो दलीलें दी है पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। ऐसी ऐसी दलीलें दी उसने, एक नई थॉट दी, नई सोच दी। और जानते हैं उसने अपनी किताब में क्या लिखा? I'm confident to time travel into the future is possible, but we would need to develop some very advanced technology to do it. We could travel 10,000 years into the future in only 1 year during that journey. However, such a trip would consume an extraordinary amount of energy. Time travel to past is more difficult. ये आइंस्टाइन की थ्योरी है कि इंसान पास्ट में जा सकता है, इंसान फ्यूचर में जा सकता है। और उसकी वजह क्या है? आप लोग को ये लगता है इंसान पास्ट में जा सकता है, इंसान फ्यूचर में जा सकता है? आपकी अकल क्या बोल रही है आप लोगों की? समझ में आ रही ना मेरी बात? इंसान फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में जा सकता है कैसे? अशरफिया में एक किताब चलती है हिदायतुल हिकमत, हमारे उलमा पढ़े हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है मिकदारे हरकते शम्स को जमाना कहते हैं। अब सूरज निकला पूरब से और ये जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा, आपके पास एक ऐसी अपाची है जिसकी स्पीड सूरज से ज्यादा, तो जिधर सूरज जा रहा उधर ही मोटरसाइकिल को घुमा दे तो सूरज से ज्यादा स्पीड है तो सूरज से पहले पहुंच जाएंगे। इसको कहते हैं टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर। कल क्या होने वाला है आप देख लेंगे। मेरा बेटा कहां शादी करेगा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? बेटी कहां भागेगी, कहां शादी करेगी, वो किस तरह करेगी? पोता परपोता लकर पोता हकड़ पोता छकड़ पोता सबको देख लेगा। टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर। इसी तरह टाइम ट्रेवल टू पास्ट, जिधर से आ रहा मोटरसाइकिल को उधर घुमा दिया तो आप देखेंगे मेरा दादा कहाँ पैदा हुआ था, बारात में कौन कौन गया था मेरे दादा की बारात में, सबको इंसान देख ले। दफन कहाँ है, कैसे इंतकाल हुआ था, टाइम ट्रेवल टू पास्ट इज पॉसिबल। किसने कहा ये? आइंस्टाइन। लेकिन उसने ये शर्त रखी, दिया इज अ हार्ड कंडीशन। वो शर्त ये है कि मोटरसाइकिल रोशनी की होनी चाहिए, गाड़ी क्लच एक्सीलेटर गियर सीट चक्का हवा स्टीयरिंग नेकविल स्कोप बॉडी पूरी गाड़ी का पार्ट ये रोशनी का होना चाहिए। क्योंकि आइंस्टाइन ने ये कहा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी, और कितनी रफ्तार है उसकी? सूरज की रोशनी धरती पे कितने मिनट में पहुंचती है? कॉलेज के स्टूडेंट को पता होगा 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है, सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी है। अगर रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी बना ले तो आप फ्यूचर में भी जाएंगे, पास्ट में भी जाएंगे। अब आइंस्टाइन की दलील से मैं साबित करता हूं कि मुस्तफा मेराज में गए थे। वाह वाह वाह, रफ्तार कितनी थी आइंस्टाइन ने कहा कि रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये बता दूं बेवकूफो, ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज जेएनयू जेएमयू एएमयू कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ लिटिल फ्लावर वालों, तुम्हारा बाप फादर ऑफ साइंस
आइंस्टाइन ने कहा ना, रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी। मुस्तफा को रब ने जो सवारी दी उस सवारी का नाम ही बुर्राक है, जिसका मतलब ही है बिजली। बिजली की सवारी मुस्तफा को उस जमाने में दी गई जब गेम का नामो निशान नहीं था, ट्रांसफार्मर का नामो निशान नहीं था, बल्ब का नामो निशान नहीं था, सीएफएल का नामो निशान नहीं था, हेलोजन का नामो निशान नहीं था। दुनिया में करंट पैदा करने की हिकमत से इंसान जाहिल था। रब ने मुस्तफा को उस जमाने में बिजली और बर्फ की सवारी दी ताकि अजमत, ताकि बर्फ और बिजली करंट के जमाने के लोग मुस्तफा की अजमत का इनकार न कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा, मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला। तुम्हारा बाप बोल रहा है आइंस्टाइन, रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी हो तो इंसान पास्ट और फ्यूचर में जा सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी है। रब ने नबी को जो सवारी दी उसका नाम ही रोशनी है। बर्क किसको कहते हैं, बुर्राक किसको कहते हैं, बिजली। बिजली एक दलील, दूसरी दलील हमारे नबी क्या है, हमारे नबी क्या है। सूरज तुझे आइंस्टाइन बहुत बड़ा समझता है, चांद न्यूटन, डार्विन, सरकाली, अरस्तु, केपलर, फीसा, गौरी, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीफन कर्लियोन, सब के सब तुझे सबसे बड़ा मानते हैं और तेरी रफ्तार की भी तारीफ करते हैं। ऐ सूरज तू ही बता, तुझे रफ्तार कैसे मिली और तू चमकता कैसे। तो सूरज बोलता है, मैं तो तारीख था और सबसे ज्यादा सुस्त था, मेरे अंदर रफ्तार ही नहीं थी, मैंने अपना दामन नबी की बारगाह में फैलाया। नबी ने मुझे भीख में रोशनी दी तो मैं आज तक चमक रहा हूं। चांद तेरे अंदर चांदनी और रफ्तार कहां से आई। चांद बोलता है, मैं भी तारीख था, नबी की बारगाह में अपना दामन फैलाया, नबी ने भीख में चांदनी दी तो आज तक मैं दमक रहा हूं। पता ये चला, आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 ईस्वी में पैदा होकर रोशनी की रफ्तार को सबसे ज्यादा बताया और उसने कहा इंसान को रोशनी से फास्टर सवारी मिल जाए तो वो पास्ट और फ्यूचर में जा सकता है, आसमान पर जा सकता है। गुलाम जिलानी अजरी बोलता है, रब्बे कदीर ने कश्यपबाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर बलैनी की धरती पर इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया और आइंस्टाइन को आवाज दिया, सुन आइंस्टाइन, तू अगर रोशनी को सूरज को सबसे बड़ा मानता, चांद को सबसे बड़ा मानता तो सुन ले, ये भिखारी है। भीख दिया मुस्तफा ने, जब भिखारी की रफ्तार का ये आलम है तो जिस मुस्तफा ने भीख दिया उनकी रफ्तार का आलम क्या होगा। ये जो महरो महप है, इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तियारा नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला। बात समझ में आ गई, ये भिखारी है। बरेली के धरती पर जो साइंटिस्ट पैदा हुआ है तमाम साइंसदानों का बाप है। ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, यानी सूरज चांद सितारे पे जो नूर का इतलाक आता है ना, कहते हैं ना ये नूर है, ये सब के सब भीख है। भीख देने वाले तो मुस्तफा हैं, फिर वो साबित हुआ कि हमारे नबी नूर है, हमारे नबी रोशनी है। जब हमारे नबी रोशनी है तो फ्यूचर में गए भी। फतवा रजविया शरीफ में आ दर आ शब अजलो अबदरा वाहिद याफ वो बिदायतु निहायत रा दर्जक नुक्ता मुत्तहिदीन मुस्तफा शबे मेराज में पास्ट और फ्यूचर को एक जगह देखा है। पास्ट में भी गए, फ्यूचर में भी गए और आइंस्टाइन की दलील से ये साबित कि जो नूर होगा उसकी रफ्तार सूरज से ज्यादा होगी। ये हो गई अकली दलील, लॉजिकल दलील। कुरान मुकद्दस के अंदर जो आयत आई सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मोमिन के लिए एक आयत है, वअंतुमुल अअलौ,
बुलंद सबसे बुलंद रहेंगे, सबसे बुलंद ईमान कामिल आ जाए। अब हम लोग मेराज करना चाहते हैं, तो मैंने बताया आपको रुकावट क्या है हमारे अंदर, जिस्म रुकावट, जो चीज रुकावट हो ना उसकी हैयत को चेंज करें, उसकी हकीकत को चेंज करें। फॉर एग्जांपल यहां 50 ग्राम मिट्टी रखी हुई है, हम चाहते हैं कि ये मिट्टी पपैया बन जाए, क्या करना पड़ेगा? तरीका है इंसान के पास, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, कोई हार्ड गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं। 50 ग्राम मिट्टी है, हम चाहते हैं कि पपैया बने, जानते हैं क्या करना पड़ेगा? इस मिट्टी को पपैया के जड़ में ले जाके रखें, पपैया का जड़ उसे झाड़ में कन्वर्ट करेगा और उसी झाड़ से पपैया बनता है, कन्वर्ट हो गया। आप चाहते हैं कि पानी उड़े, पानी को उड़ा, पानी की फितरत में उड़ना नहीं है हजरत, पानी की फितरत में उड़ना नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि पानी उड़े तो क्या करना पड़ेगा मालूम है? कूलर में 5 लीटर पानी रख के फुल स्पीड में चालू करो, पानी उड़ जाएगा। उड़ा, चाहते हैं कि पानी आग में बदल जाए, उस पानी को आग में डाल। अगर चाहते लोहा की फितरत में पिघलना नहीं है मगर उसको आग में कन्वर्ट कर दे तो पानी की तरह लोहा भी पिघलने लग जाता है। ये जिस्म जो है रुकावट बन रहा है ना मेराज में, ये जिस्म रुकावट बन रहा है, इस जिस्म को कन्वर्ट करे रूह। जिस्म को रूह में कन्वर्ट करे, और रूह कहीं से लाना नहीं है, वो अपने पास है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? आग और पानी दोनों यहाँ पर हो, इधर आग है इधर पानी है, हम ये चाहते हैं कि आग पानी बन जाए तो पानी कसरत से डाले, ज्यादा पानी को रखे, और अगर चाहते हैं कि पानी बुझ पानी आग बन जाए तो ये आग की कसरत क्वांटिटी आग की बढ़ा दिया, जिधर क्वांटिटी बढ़ाएंगे वो दूसरे को ऑब्जर्व कर लेगा अपने अंदर। ये निजामे दुनिया है, निजामे कायनात है, जिस्म रूह दोनों अपने लोगों के पास है। जिस्म को रूह में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? वेरी सिंपल, जिस्म को कम खिलाए रूह को ज्यादा खिलाए। एक रोटी नाश्ते में, दो रोटी खाने में, थोड़ा सा चावल रात में, रूह जिस्म को इतना है इतना ही खिलाए जितने में आप खड़े होकर नमाज अदा कर सकते हैं, बाकी रूह को आप बेहतरीन काजू किशमिश पिस्ता अखरोट खिलाएं। रूह को कैसे खिलाएंगे? तहज्जुद की नमाज पढ़ के, सूरह मुज़म्मिल पढ़ के, कुरान की तिलावत करके, अबू बकर की सदाकत को अपना कर, फैसले में उमर की अदालत को अपना कर, अल्लाह की राह में अगर मस्तान साहब जैसे हो लोग आवाज दे अल्लाह की राह में खर्च करो तो उस्माने गनी की सखावत को अपना कर, और वसीम रिजवी जैसे और तस्लीमा नसरीन जैसे सलमान रश्दी जैसे लोग पैदा होके आवाज दे और चैलेंज करे तो फिर वहां हजरत अली की शुजात खिलाए। रूह की गिजा बता रहा हूं, शुजात दे, अदालत दे, सदाकत दे, ये इसके लिए रूह के लिए काजू किशमिश पिस्ता अखरोट, आपकी रूह मजबूत हो जाए, और जहां रूह मजबूत हुई जिस्म पर अपनी हुकूमत करने लग जाएगी, और जिस्म पर अगर रूह की हुकूमत हो गई तो ये बताइए यहां मैं उंगली रखा हूं हिल रही कि नहीं हिल रही, और इसको यहां से काट दू तो हिलेगी, यहां पे उंगली है तो इसको मिट्टी खा रही है क्या? मगर यहीं पर अगर इस उंगली को मिट्टी में रख दूं तो मिट्टी खा जाएगी कि नहीं खा जाएगी? जान है उसके अंदर, रूह है उसके अंदर, रूह। आप अपने जिस्म पर रूह को इतना गलबा दे, इतना गलबा दे, इतना गलबा दे कि जिस्म बिल्कुल नातवा और कमजोर हो जाए, फिर रूह अपना असर डाले, और रूह आपको मैंने बताया ये ऊपर से आई है, जब रूह ऊपर से आई है तो जिस कमजोर है रूह मजबूत है, अब रूह उसको ऊपर उड़ाना शुरू कर देगी, रूह ऊपर ले जाना शुरू कर देगी। आपने नहीं देखा अल्लाह के वली हवा में मुसल्ला उड़ा देते हैं? इसीलिए तो उड़ाते हैं भाई साहब, उनका जिस्म कमजोर होता है रूह स्ट्रॉन्ग होती है। आपने बायजीद बुस्तामी को नहीं देखा या जुनैद बगदादी को समंदर के ऊपर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हैं, दरिया को पार करते? क्यों? क्योंकि रूह बहुत मजबूत कर दी उन्होंने, जिस्म को बहुत कमजोर, जिस्म का वजन 100 किलो की जगह 1 पाव बना दिया और रूह को 100 किलो की बना दिया। हुकूमत किसकी होगी? रूह की होगी। ताकतवर कौन बन गई? रूह बन गई। अब जिस्म कुछ नहीं कर सकता, और ये जो खाना पीना गाली देना ये जिस्म का तकाजा है,
मारना सताना लड़ना एक बॉक्सिंग देना मुक्का मार के भगा देना अपने भाई के दुश्मन को, ये जिस्म का तकाजा है। और जिस्म कमजोर होगा तो हाथ नहीं उठेगा, और उठेगा भी तो मगरिब में रहते हुए मशरिक तक पहुंच जाएगा, वही मुरीदों की मदद करना शुरू कर देगा। मुफ्ती आजम हिंद अली रहमत के बारे में आया कि जब उनको गुस्ल दिया जा रहा था तो कपड़ा हट रहा था, उन्होंने अपने हाथों से कफन के कपड़े को, नहलाने वाले कपड़े को पकड़ कर, रूह गालिब है, रूह गालिब, अपने जिस्म को कन्वर्ट कर, रूह क्या, रूह की आग में इतना जलाए, इतना जलाए, इतना जलाए कि जिस्म खत्म हो जाए तो जिस्मानियत के तकाजे भी खत्म हो जाए, और जहां जिस्मानी तकाजे खत्म हो गए तौहीद और रिसालत के शहदाइयो अस्सलात मिराजुल मोमिनी, आप रहेंगे वैशाली में और आपके लिए मेराज होती रहेगी, रब की बारगाह में जाना आना रूह। और इसके लिए जरूरी नंबर एक, हराम से बचे, रूह को मजबूत करना है, जिस्म को कमजोर करना है तो हराम से बचना होगा। और हराम एक दो नहीं होता, लोग समझते हैं ना कि शराब पीना हराम है बस, खिंजीर का गोश्त खाना हराम है बस, कहां लिखा खिंजीर का गोश्त खाना हराम है, कहां लिखा, आप लोग क्यों नहीं खाते, हम लोग क्यों नहीं खाते, ये कोई दलील पूछेगा आपसे तो आप बता पाएंगे क्या कहेंगे? इसलिए नहीं खाते कि मोहल्ले वाले नहीं खाते, या इसलिए नहीं खाते कि कुरान में आया नहीं खाना चाहिए, क्या दलील? तो आमतौर से लोग जवाब देंगे कि कुरान में आया नहीं खाना चाहिए खिंजीर का गोश्त, कुरान में आया हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमुल खिंजीर, कुरान में आया हराम। तो भाई साहब अगर कुरान की वजह से आप हराम नहीं खाते हैं तो यही कुरान बोलता है झूठ बोलना भी हराम है, बेशक यही कुरान बोलता है गीबत करना भी हराम है, यही कुरान बोलता है अतअकुलूना लहम अखीय मैतन फकरीहतुम, यही कुरान बोलता है लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यही कुरान बोलता है नमाज छोड़ना भी हराम है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लदीन हुम अन सलातिहिम साहून, यही कुरान बोलता है जमीन पर इतराकर चलना भी हराम है वला तमशु फिल अर्दि मराहा, यही कुरान बोलता है माँ बाप को गाली देना भी हराम है वला तक़ुल लहुमा उफ वला तन्हरहुमा। जब ये कुरान बोल रहा है तो खिंजीर का गोश्त नहीं खाते क्योंकि कुरान में आया हराम है, तो फिर झूठ क्यों बोलते हैं, वो भी तो हराम है कुरान में आया। इसका मतलब यह है कि हम कुरान के हिसाब से नहीं चलते हैं, वैशाली में मोहल्ले रसूलपुर और इस गांव के हिसाब से चलते हैं, जो लोग गांव में जैसा जैसा करते हैं ना वैसा वैसा करते हैं, ना गांव के हिसाब से नहीं चलना, सारे गांव के मिल के लोग कहे कि ये काम जायज है और कुरान बोलना हराम है तो वो हराम ही रहेगा। वार्ड अध्यक्ष, मुखिया, सीएम, डीएम, प्राइम मिनिस्टर, सब के सब बोले हराम, वो हराम नहीं होगा जब तक कुरान नहीं बोलता है। इसलिए जितने हराम है रूह को स्ट्रॉन्ग करना, मैंने क्या कहा मेराज करने के लिए, जिस्म को कमजोर कर दे, रूह को स्ट्रॉन्ग कर दे, रूह को गिजा दे। आखिरी आखिरी बात बता रहा हूं, हराम से बचाए फराइज को अपनाए, मकरूहात से बचे वाजिबात को अपनाए, इसाआत से बचे और सुनन को अपनाए, तब मेराज होगी, इससे रूह मजबूत हो जाएगी आपकी, रूहानी ताकत जिसको कहते हैं। अर्तुल गाजी जिन लोगों ने देखा है, जिस वक्त उनको फांसी दी जा रही थी तो शेख इब्न अरबी की रूहानी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उन पर कश्फ हुआ कि सुल्तान का बेटा नाजायज तौर से अर्तुल गाजी को कत्ल कर रहा है। कश्फ क्यों हुआ? क्योंकि जिस्म की आंख से देखते हैं तो 50 मीटर, 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर ना जिस्म की आंख से, रूह की आंख से इंसान 1000 किलोमीटर दूर को भी देख लेता है, 1000 किलोमीटर दूर को भी देख लेता मेरे भाई, 1000 किलोमीटर। इसलिए रूह को एनर्जी, जिस्म को कमजोर कर दिया, रूह को आपने मजबूत कर दिया, तो अब जिस्म कन्वर्ट हो गया रूह में, नतीजतन आपकी ताकत, आपकी रफ्तार, आपकी हर चीजें मजबूत होती चली जाएगी। इस वक्त हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा मसला है नियत का, रूह को जिस्म को एनर्जी वे में कन्वर्ट करे, रूह में कन्वर्ट करे जिस्म को, उसके लिए जरूरी यह है कि नियत साफ करें। कैसे साफ करेंगे? एक मिसाल, हमने मोटरसाइकिल खरीदी,
ये दुनिया है, लेकिन नियत ये कर ली, जब भी कोई पैदल जाने वाले मिलेगा तो उसको लिफ्ट दूंगा। ये दीन है, ये इबादत है। अब मोटरसाइकिल खरीदना गुनाह नहीं और दुनिया नहीं, बल्कि दीन में दाखिल हो जाए। किसी भी मामले में नियत अच्छी करे। दूसरी चीज, हराम गिजा हरगिज हरगिज नहीं खाए, उससे जिस्म रूह में कन्वर्ट नहीं हो पाता। गिजा हमेशा हमेशा, ऐसे भी आपने हराम खाया तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहा, तो जानवर के पास भी जिस्म है, अपने पास भी जिस्म है, नतीजतन इंसान की रूह गालिब नहीं आ पाती। गिजा हमेशा, भले आधी रोटी हो लेकिन होनी चाहिए हलाल। समोसे के तो बहुत आसान तरीका है, समोसे के दुकान पर गए, बहुत ज्यादा भीड़ लगी, एक उठाया धीरे से और चल दिया, ये क्या हो गया, हराम हुआ कि नहीं। वहीं जाके भाई साहब भूत बहुत भूख बहुत लगी है, एक समोसा दे दीजिए ना, वो उठा के दे दिए, ये हो गया हलाल। सेम समोसा, सेम दुकान, सेम टाइम, सेम जायका, खाने वाला सेम, देने वाला सेम, पहले हराम था अब हलाल हो गया। तो कोशिश करके गिजा सिर्फ और सिर्फ हलाल।